में आपका स्वागत है। मैं चंचल शर्मा। आइए चलते आज की खबरों की ओर। आजमगढ़ के 15,000 के इनामी गैंगस्टर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अब तक 50 से अधिक गाड़ियां कर चुका है चोरी। विगत कई दिनों पहले एक युवक की हत्या कर लाश को जला दिया था। आजमगढ़, गोरखपुर, अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर सहित पश्चिम के तमाम जिले व नेशनल हाईवे पे लूट की घटना को अंजाम दिया। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले की पुलिस को उस समय बड़ी सफलता मिली जब पूर्वांचल से 15,000 के इनामी सुनील यादव को अरेस्ट कर बड़ा खुलासा करते हुए एसीपी ने बताया कि चांदपुर थाना क्षेत्र में 15 जुलाई को आशुतोष की हत्या कर शव को पेट्रोल डालकर जला दिया था, जिसके 3 अभियुक्ति को अरेस्ट कर जेल भेज दिया गया था। सुनील यादव फरार था, जिसे चांदपुर थाना की पुलिस ने हरकुंड गांव के पास से बुलेरो और ट्रैक्टर के साथ 2 लोगों को अरेस्ट किया था, जो पूर्वांचल सहित आजमगढ़ में 15,000 के इनामी गैंगस्टर थे। आरोपी सुनील यादव सहित एक और आरोपी को चांदपुर क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया। पकड़े गए सुनील यादव के खिलाफ आजमगढ़ के अलावा गोरखपुर, अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर सहित पश्चिम के तमाम जिलों में नेशनल हाईवे व अन्य जगहों से लूट की घटना को दिया था अंजाम। जिले में भी विगत कई दिनों पहले एक युवक की हत्या कर लाश को जलाकर एक बुलेरो व ट्रैक्टर की लूट की थी, जिसे बेचने की फिराक में था। पकड़ा गया इनामी अब तक 50 से अधिक बुलेरो गाड़ी को लूट कर घटना को अंजाम दे चुका है, जिन्हें अरेस्ट कर जेल भेज दिया गया है। थाना चांदपुर में विगत माह 15 जुलाई को एक डेड बॉडी मिली थी, जो कि जली अवस्था में थी। बिल्कुल ब्लाइंड मर्डर केस था। हमारी स्वाट टीम और हमारे चांदपुर थाने की टीम ने ज्वाइंट ऑपरेशन करते हुए इस केस का वर्कआउट किया था। इसमें 3 अभियुक्त जेल भेजे गए थे। उसी कड़ी में आज ये चौथा अभियुक्त सुनील यादव पकड़ा गया है। सुनील यादव बहुत ही शातिर अपराधी है, जिस पर आजमगढ़ जनपद से गैंगस्टर में फरार चल रहा था और 15,000 रुपये का इनाम इस पर घोषित था। इस अभियुक्त के खिलाफ पूर्वांचल के विभिन्न जनपदों में, लगभग 8-9 जनपदों में इस पर 40 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जो कि वाहन चोरी से संबंधित है। ये वाहन चोरों का बहुत ही बड़ा गैंग था, जिसका कि ये टीम लीडर था। सुनील यादव के आजमगढ़, गोरखपुर, अंबेडकर नगर, गाजीपुर, फतेहपुर, कानपुर, ये सारे विभिन्न जनपद में इसके मुकदमे हैं। और 50 से अधिक बुलेरो की चोरी बता रहा है ये। और इससे अभी हम लोगों ने एक ट्रैक्टर और एक बुलेरो बरामद भी किया है, जो जनपद आजमगढ़ और जनपद गोरखपुर से बरामद हुआ। सर, कहाँ ये चोरी कर रहे हैं? चोरी करते थे कि कहाँ से, क्या ये हाईवे से लेकर के और विभिन्न स्थानों पर भी, जहाँ भी इनको मिलता था, ये बिल्कुल सिद्धहस्त है वाहन चोरी में। और वाहन चोरी के अलावा ये शटर उठा करके भी चोरी करते थे। इनसे पूछताछ में भी बताया इन्होंने, करीब 2 दर्जन इन्होंने शटर तोड़ करके जो है दुकानों से भी चोरी किया है।